आइए देखते हैं मजा आएगा। चलो ठीक है यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। चल रहा हूँ, मीटिंग है मेरी, एक दिन के लिए जाना है, मैं कल आ जाऊंगा। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या सोच रही थी, मैं भी साथ चल लेती हूँ, मैं भी दूसरे रूम में। बेटा देख तू नहीं जा पाएगी, हमारा ना एक मीटिंग है, हम लोगों को वहाँ जाना है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। अरे मैं तो सोऊंगी थोड़ी, मैं तो दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठी रहूंगी, खेलती रहूंगी बच्चों के साथ। पक्का ले चलूंगा, इधर पक्का ले चलूंगा। सुनो तो सही, मेरा मन नहीं करेगा, प्लीज बात मानो। मेरे सवाल का जवाब दे दे फिर ले चलूंगा। पूछो जल्दी, देख जवाब सही दे देगी, मेरे साथ अभी तैयार हो जाना ठीक है। ये देख, ये तालाब है, इस तालाब में तेरे को एक मछली डालनी है आज, अगले दिन उसकी दुगनी, तेरे को दो मछलियां डालनी है, ध्यान से सुनना, अगले दिन उसकी डबल चार मछलियां डालनी है, अगले दिन उसकी डबल आठ मछलियां डालनी है, तेरे को हर दिन उसकी डबल मछलियां करनी है। 100 दिन लगते हैं, वो तालाब पूरा भर जाता है। अगर 100 दिन में पूरा तालाब भर रहा है तो बता आधा तालाब कितने दिन में भरेगा? 50 दिन में। बेवकूफ ना, बेवकूफ रहेगी बेटा, 99 डेज में, 99 दिनों में भर जाएगा पूरा आधा। कैसे? अरे जब 99 दिन में आधा भरेगा तो उसका दुगना 100 दिन में पूरा। सर तू नहीं जा पाएगी, मेरे को मीटिंग में जाना है, अगली बार ले चलूंगा ठीक है। चल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए, ये आप ही का लड़का है जी? जन्म से तो है, कर्म से थोड़ा मुझे भी डाउट। मतलब अंदाजा तो आपको भी है कि आपका बच्चा कितना होनहार है, लेकिन एडमिशन के वक्त तो आपने नहीं बताया था कि आपके बच्चे के अंदर इतना बड़ा साहित्यकार छुपा हुआ है, जो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी शायरियां लिखता है। देखिए जी, पता तो हमें भी नहीं था। अच्छा, दर्द दिलों के कम हो जाते, बेटा इतनी सी उम्र में दर्द हो रहा है, आगे बढ़ता हूँ। अब दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ टीचरों के मुंह बंद हो जाते। बेटा गलत बात, गुरुजियों के लिए ऐसे नहीं लिखा करते, गलत बात। अभी तो आप आगे पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, अब दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास आकर देखा तो हमारे प्रिंसिपल उछल रहे थे। माफी चाहता हूँ सर, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, अंडे आपका क्या? नहीं नहीं बेटा बेटा, गलत बात, ऐसे नहीं बोला करते है ना, नहीं गलत बात, आप आगे पढ़िए। हाँ, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, इंग्लिश वाली मैडम के लिए चांद तारे तोड़ दूं। सॉरी पापा, पापा मैंने लिखा, कसम से मैंने लिखा, वो मयंक है ना, चांद तारे तोड़ दूं। तू बेटा घर चल, तेरी दही तोड़ूंगा आज मैं, तू घर चल, घर चल तू। सर बच्चे की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। इंग्लिश वाली मैडम सच में, मतलब वो हमें भी मिलवाइए ना मैडम से, मतलब मैं खुद मिलके अपने बच्चे की तरफ से माफी मांगूंगा उनसे, एक बार मिलवाइए। अरे मम्मी कभी तो इस घर में मुझे अकेला छोड़ दिया करो, दो पल सुकून के मैं भी डिजर्व करता हूँ। वही सुकून ना बेटा जो तेरे पैदा होने से पहले हमारे इस घर में हुआ करता था। मम्मी या किस चीज में मन ही नहीं लग रहा, पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बेटा तेरा ये फोन हमें देके देख, फिर हर काम में मन लगेगा तेरा। मम्मी मैंने देख लिया, मेरे से नहीं होगी पढ़ाई वढ़ाई। तो बेटा छोड़ दे। छोड़ दू सच में? बेटा घर छोड़ दे। मम्मी ततैया ने काट लिया, क्या लगाऊं? स्टेटस लगा बेटा, स्टेटस। तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है मम्मी। ज्यादा बोलना आ रहा है, क्या तो जवाब दे रहा है उल्टा है? कहाँ से सीख के आ रहा है, कौन सा सीख के आ रहा है सब? ये मुझे मुझे क्या देख रहा है, मुझे क्या देख रहा है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।